मैं गरिमा अग्रवाल आप सभी का वंदन करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। आइए आज हम जानते हैं पांच धान 25 पूर्णिमा व्रत नियम के बारे में। यह व्रत नियम शरद पूर्णिमा से लिया जाता है। नव विवाहिताएं शरद पूर्णिमा से इस व्रत को शुरू करती है। यह व्रत बिना नमक के किए जाते हैं। पांच धान का मतलब पांच अनाज, और ये पांच अनाज हैं जो गेहूं, चावल, मूंग, चना, और हर एक अनाज से पांच पूर्णिमा व्रत किए जाते हैं। लेकिन आजकल बहुत से लोग सिर्फ एक व्रत करके ही उद्यापन कर देते हैं। इस व्रत को जो से शुरू किए जाते हैं। आइए अब हम जानते हैं कि ये व्रत कैसे करें। इस व्रत को करने के लिए नव विवाहिताएं पहली शरद पूर्णिमा को व्रत रखती हैं। इस व्रत में सुबह जल्दी स्नान आदि से निवृत्त होकर मिट्टी का चौका लगा ले या पाटे पर बीच में जिस अनाज की आप पूर्णिमा कर रहे हैं वही अनाज रख कर गणेश जी विराजमान करें। लोटे पर साथिया तिलक करें और अनाज के पांच दाने हाथ में लेकर पूर्णिमा और गणेश जी की कहानी सुने। इस व्रत में एक समय भोजन करें और जिस अनाज की आप पूर्णिमा कर रहे हैं वह बिना नमक के रोटी, हलवा या लड्डू बनाकर भोजन में ले लें। साथ में दही भी लिया जा सकता है। इस तरह चार व्रत करके पांचवें व्रत में वही अनाज पांच सेर यानी 2.5 किलो लेकर कलप कर दान कर दें। और यदि आप हर धान के पांच व्रत ना करना चाहें तो एक एक व्रत करके उसी धान को कलप कर दान करते जाएं। इसी तरह पांच धान 25 पूर्णिमा का व्रत बहुत ही सरल तरीके से पूर्ण किया जाता है। शरद पूर्णिमा से ही और भी बहुत सारे पूर्णिमा व्रत नियम लिए जाते हैं, जिनकी जानकारी आपको हमारे दूसरे वीडियो में मिल जाएगी, जिसका लिंक आप नीचे डिस्क्रिप्शन में जाकर देख सकते हैं या हमारे चैनल पर विजिट कर सकते हैं। पूर्णिमा व्रत कहानी और गणेश जी की कहानी एक साथ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे द्वारा दी गई जानकारी यदि आपको पसंद आ रही है तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जय श्री राधे।